बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश का जो लफ्ज़ है वो करेंगे ई, अपर केस ई जो है वो ऐसे लिखा जाता है, और जो लोअर केस ई है वो ई जो है वो छोटी सी हाफ दायरे की ऊपर छोटी सी आँख बना दी जाती है। ये आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके इस पे प्रैक्टिस करें। तो अब हम ई से बनता है एग, एग, एग जो है उसको उर्दू में कहते हैं अंडा। अब आप देखें कि ई की ई ए की साउंड है, ठीक है, ए, मैं इसको ए के साथ आप जो है एग, जी जो है वो गाफ की साउंड निकालता है, तो ये बन जाएगा एग। और ई से क्या बनता है, ई से बनता है ईयर, ईयर। अंडा जो है वो ऐसे ओवल शेप का होता है, मुर्गी का अंडा, और ईयर जो है वो कान को कहते हैं उर्दू में, कान, आपको पता है ना कान ऐसा होता है जिससे हम आवाज़ें सुनते हैं, ईयर। और ई से क्या बनता है, ई से हमारी आँख बनती है जिसको कहते हैं इंग्लिश में आई, तो आँख, आँख, ई से एग, ईयर, आई। और ई से क्या बनता है, अभी हम खाने की ईट, ई ए टी, ईट, ईट होता है खाना। और ई से क्या बनता है एंड, इख्तिताम, इख्तिताम, खात्मा। तो आज हमने सीखा ई से एग, ईयर, आई, ईट, एंड। तो अगर आप देखें कि ई, ई और गाफ, एग, ई, ए और रे, ई अर, और आई, ई, ये और फिर ई, आई, ईट, ई, ए और टे, ईट, और एंड, ई, एन के लिए नून और डी के लिए डाल। तो ये बन गया एंड।